प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत 30 लाख परिवारों को लाभ मिलने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर द्वारका नई दिल्ली में विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना को लॉन्च कर दिया। इसके साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी ने कई विकास कार्यों की सौगात भी दी। विश्वकर्मा साथियों से जुड़ने का अवसर मिला है। अब से कुछ देर पहले मेरी अनेकों विश्वकर्मा भाई बहनों से बात भी हुई है और मुझे आने में विलंब भी इसलिए हुआ कि मैं उनसे जरा बातों करने में लग गया और नीचे जो एग्जीबिशन बना है वो भी इतना शानदार है कि निकलने का मन नहीं करता था। और मेरा आप सबसे भी आग्रह है कि आप जरूर उसको देखें। और मुझे बताया गया कि अभी 2-3 दिन और चलने वाला है, तो खास करके दिल्ली वासियों से मैं जरूर कहूंगा कि वो जरूर देखें। साथियों, भगवान विश्वकर्मा के आशीर्वाद से आज प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का आरंभ हो रहा है। हाथ के हुनर से, औजारों से, परंपरागत रूप से काम करने वाले लाखों परिवारों के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना उम्मीद की एक नई किरण बनकर आ रही है। मेरे परिवारजनों, इस योजना के साथ ही आज देश को इंटरनेशनल एग्जीबिशन सेंटर यशोभूमि भी मिला है। जिस प्रकार का काम यहां हुआ है उसमें मेरे श्रमिक भाई और बहनों का, मेरे विश्वकर्मा भाइयों बहनों का तप नजर आता है, तपस्या नजर आती है। मैं आज यशो भूमि को, देश के हर श्रमिक को समर्पित करता हूं, हर विश्वकर्मा साथी को समर्पित करता हूं। बड़ी संख्या में हमारे विश्वकर्मा साथी भी यशो भूमि के लाभार्थी होने वाले हैं। आज इस कार्यक्रम में जो हजारों विश्वकर्मा साथी हमारे साथ वीडियो के माध्यम से जुड़े हैं, उन्हें मैं विशेष तौर पर यह बताना चाहता हूं। गांव-गांव में आप जो सामान बनाते हैं, जो शिल्प, जिस आर्ट का सृजन करते हैं, उसको दुनिया तक पहुंचाने का ये बहुत बड़ा वाइब्रेंट सेंटर, सशक्त माध्यम बनने वाला है। ये आपकी कला, आपके कौशल, आपकी आर्ट को दुनिया के सामने शोकेस करेगा। ये भारत के लोकल प्रोडक्ट को ग्लोबल बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। मेरे परिवारजनों, हमारे यहां शास्त्रों में कहा गया है, यो विश्वम जगतम करोत्से स विश्वकर्मा, अर्थात जो समस्त संसार की रचना या उससे जुड़े निर्माण कार्य को करता है उसे विश्वकर्मा कहते हैं। हजारों वर्षों से जो साथी भारत की समृद्धि के मूल में रहे हैं,
वो हमारे विश्वकर्मा ही है। जैसे हमारे शरीर में रीढ़ की हड्डी की भूमिका होती है, वैसे ही समाज जीवन में इन विश्वकर्मा साथियों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हमारे ये विश्वकर्मा साथी उस काम, उस हुनर से जुड़े हैं जिनके बिना रोजमर्रा की जिंदगी की कल्पना भी मुश्किल है।